जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ना हेल्दी और सुपर टेस्टी चुकंदर का रायता की रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ना हमें एक कप इतना दही लेना है बड़े से बाउल में। इसमें कद्दूकस किया हुआ आधा कप चुकंदर यानी बीट रूट है वो डालेंगे। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से ना बारीक कटे हुए ताज़े धनिये के पत्ते हैं वो डालेंगे। यहाँ पर मैं ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ, आप जो नॉर्मल नमक रहता है वो भी डाल सकते हैं। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग से इसमें नमक डालेंगे। चुटकी भर इसमें काली मिर्च पाउडर है वो डालेंगे। इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो ये बहुत गाढ़ा है तो इसमें ना मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गाइज आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर दिख रहा है। तो अब इसके ऊपर ना हम थोड़ा तड़का देंगे। तड़के के लिए एक चम्मच इतना घी है वो गरम करेंगे पैन में। अब इसमें एक छोटा चम्मच उड़द की दाल और आधा चम्मच चना दाल है वो डालेंगे। इसे थोड़ा सा क्रंचीनेस आएगा खाते वक्त। आधा चम्मच जीरा डालेंगे, चुटकी भर हींग पाउडर, दो काजू के टुकड़े हैं वो डाल रही हूँ। इसमें हम एक सूखी लाल मिर्च और ढेर सारा कड़ी पत्ता डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अब चूल्हे को कर लेते हैं बंद। तो यहाँ पर तड़का तैयार है तो इसे ना हम फौरन रायते के ऊपर डालेंगे। इसे हल्का मिक्स करेंगे। इसके ऊपर ना थोड़े ताज़े धनिये के पत्ते से गार्निश करेंगे। इसे आप ना पुलाव के साथ, डोसा के साथ या ऐसे भी खा सकते हैं, इतना टेस्टी रहता है। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा।